हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? देखिएगा, विक्रम नोमैडिक ऋषभ, मेरी आवाज आ रही है क्या? देखो, एक बार कमेंट कर दो अगर आ रही हो तो। यस राहुल, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको रख देता हूं साइड में, है ना। कमेंट वमेंट बाद में देखते रहेंगे। ओके, तो आज जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमें लॉज ऑफ मोशन करना है ना। तो यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं, दिखा रहे हैं? हाँ, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले तो एक होता फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ आपको पता ही होगा, अ पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो उसको लिखने की तो ऐसा जरूरत है नहीं। फिर एक है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से पहले एक पॉइंट हमें पढ़ना जरूरी है, ये है मोमेंटम। मोमेंटम, तो मोमेंटम के बारे में आप लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मान लीजिए मास कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी चेंज होने लगे, तो हम मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का एक ग्राफ बना सकते हैं। मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ होगा ये वाला। ये कब है? इफ द मास इज कांस्टेंट। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा। यहीं पर एक पॉइंट और है, जैसे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो अगर आप मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो, और कभी-कभी क्या हो सकता है कि मान लो मोमेंटम ही कांस्टेंट हो जाए। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए तब अगर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस मास का ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ जो है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा होता है, इस तरह का। ठीक है, इस ग्राफ का जो शेप है आप लोग लिख भी सकते हैं, इट रिजेंबल्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्या है मोमेंटम? हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि जो सेकेंड लॉ है ना, वो आपने सुना होगा कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम यहां लिख भी देते हैं कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहां पर एक पॉइंट और है, जैसे मोमेंटम एक वेक्टर है। अब अगर एक्स एक्सिस वाला मोमेंटम चेंज हुआ तो जो फोर्स है ना वो भी एक्स एक्सिस में ही लगेगी। अगर वाई एक्सिस वाला मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स वाई एक्सिस में ही लगेगी, और अगर जेड एक्सिस वाला मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स जेड में ही लगेगी। ठीक है, मतलब फोर्स यहां लिख देते हैं, फोर्स
एक्ट्स इन दैट डायरेक्शन इन विच मोमेंटम चेंजेस. फोर्स उसी डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हो रहा हो. ठीक. फोर्स भी दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज फोर्स और एक होती है इंस्टेंटेनियस फोर्स. ठीक है, तो यहां लिख देते हैं कि फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स. सबसे पहली एवरेज फोर्स. अब एवरेज फोर्स जो है इसको लिखने का एक तरीका है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी टू माइनस पी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. अब आप चाहें तो पी वन को लिख सकते हैं एम वी वन, P2 को लिख सकते हैं mv2. तो जो फोर्स आ गई वो आ गई m v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. और अगर आप यहां पे चाहें तो वेक्टर का सिंबल भी लगा सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें फोर्स एवरेज फोर्स निकलवाते हैं. खास तौर पे यहां सब जगह मैं avg लगा देता हूं. ताकि एवरेज फोर्स निकले तो हम ना ऐसे जितने भी सवाल होते हैं उन्हें एक बार कर लेते हैं. देखो सबसे पहला, जैसे मान लीजिए कोई गन है, गन में से बुलेट्स निकल रही है, जैसे मशीन गन होती है. अब एक सेकंड में 20 बुलेट निकल गई है ना. तो यहां लिखते हैं इफ एन बुलेट्स कम आउट ऑफ द गन पर सेकेंड, एक सेकेंड में एन बुलेट्स गन से बाहर निकली. तो ये है गन, ये है गन और बुलेट इसमें से निकली. अब सोचो जो बुलेट है, यहां येलो कलर से बुलेट बना दें, ये है बुलेट, इसका मास स्मॉल m. जब ये बुलेट गन के अंदर थी तब तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो. और फिर मान लो ये बुलेट जिसका मास तो अभी भी m है वो बाहर निकल आई. अब जिस वेलोसिटी से बुलेट गन से बाहर निकलती है ना, उस वेलोसिटी का एक नाम होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको कहते हैं एम यू जेड जेड एल ई. मजल वेलोसिटी. ठीक है, तो वो कहते हैं, अच्छा और एक सेकंड में एन बुलेट्स. ठीक है, तो वो कह रहे हैं बताओ इस बुलेट पर ऑन एन एवरेज कितनी फोर्स लगी. तो हम कहेंगे भाई शुरू में वेलोसिटी है जीरो, बाद में है वी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, वी के बराबर हो गया. ठीक है ना, मास है एम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, एम इंटू वी हो गया. अब वो कह रहे हैं कि एक सेकंड में एन बुलेट्स, तो एन बुलेट्स इन वन सेकंड, तो एक बुलेट को कितना टाइम लगा, वन बाय एन सेकेंड्स. तो अगर आप एवरेज फोर्स यहां निकालें तो ये होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मतलब ये आ गया एम वी अपॉन वन बाय एन, यानी कि कितना आ गया
एम एन वी, मास ऑफ वन बुलेट इज एम, नंबर ऑफ बुलेट्स इज एन पर सेकंड, एंड वी इज द मजल वेलोसिटी। तो ये वाला मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। अब अगला देखो, अब यही बुलेट बाहर निकली, बाहर निकल के ये किसी दीवार से टकराई। तो दीवार से टकराने के बाद दो केस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि उस दीवार के अंदर घुस जाए, दूसरा क्या हो सकता है उस दीवार से इलास्टिकली रिबाउंड कर जाए, है ना। तो यहां पे लिखते हैं पहला पॉइंट, इफ बुलेट्स रिबाउंड इलास्टिकली फ्रॉम अ वॉल, अगर बुलेट्स इलास्टिकली रिबाउंड करें वॉल से, तो देखिए क्या होगा। ये एक वॉल बना देते हैं, ग्रीन कलर की वॉल चलेगी, ये देखो, ठीक। बुलेट ऐसे आई, मास m, वेलोसिटी v, आई टकराई और टकरा के इलास्टिकली रिबाउंड कर गई। तो अब पहले उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में थी तो प्लस वी, बाद में उसकी वेलोसिटी निगेटिव एक्स में है तो माइनस वी। तो इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल ये हुआ एम और वी लिख दो प्लस वी, जबकि फाइनल मोमेंटम को एम इंटू माइनस वी लिख दूं माइनस एम वी। तो जो चेंज इन मोमेंटम आया वो आया फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये माइनस टू एम वी का मतलब समझे कि निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब फिर वही लॉजिक है कि एक सेकंड में एन बुलेट्स, तो जो डेल्टा टी यहां पे हुआ वो हो गया वन बाय एन, तो एवरेज फोर्स हो गई डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी माइनस टू एम वी अपॉन वन बाय एन, यानी एवरेज फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया टू एम एन वी। देख लो भाई इसको, इस क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस शरीर पर ना ये क्वेश्चंस ही तो हैं जिसको थ्योरी के फॉर्म में मैं बता रहा हूं, है ना। चलो आगे करते हैं। अब ये बुलेट मान लो इलास्टिकली रिबाउंड नहीं हुई, मान लो ये एम्बेडेड हो गई, तो यहां लिखते हैं अगला पॉइंट कि इफ द बुलेट गेट्स एम्बेडेड, अगर बुलेट एम्बेड हो जाए दीवार के अंदर घुस जाए, तो अब आप खुद ही सोचिए दीवार कौन से कलर की थी, ग्रीन कलर की, यह है दीवार, यह है बुलेट वी। अब यह बुलेट जब एम्बेड हो गई अंदर चली गई तो फाइनल इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि इस केस में इनिशियल मोमेंटम तो एम वी है और फाइनल मोमेंटम जीरो है ना, तो जो चेंज इन मोमेंटम आया वो आया जीरो माइनस एम वी, यानी माइनस एम वी। और वही एक सेकंड में एन बुलेट्स, तो अपन लिख दें डेल्टा टी को वन बाय एन, तो एफ एवरेज की वैल्यू आ गई डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी माइनस एम एन बी। तो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर लगा दूं
आ गया एम एन वी। तो अगर बुलेट एम्बेडेड हो जाए तो एम एन वी, और अगर बुलेट सपोज इलास्टिकली रिबाउंड कर जाए तो 2 MNV। ठीक, चलो आगे। अब ये बताओ, कोई ऐसे सीधे ही जाए, ये कोई कंफर्म थोड़ी है, हो सकता कुछ एंगल पे जाए। तो एक अगला केस होता है कि इफ द बुलेट रिबाउंड्स एट सम एंगल थीटा। मान लीजिए बुलेट किसी एंगल थीटा पे रिबाउंड कर जाए। अब इसको देखो, बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से डायग्राम देखना, उसके बाद फिर करेंगे आगे। देखो ये तो हो गई दीवार, और ये जो है परपेंडिकुलर वाली लाइन है। ठीक, इस थीटा मतलब इस लाइन से थीटा एंगल बना रही है बुलेट। तो यानी बुलेट ऐसे आ रही है, देखो ये बनाते इस तरह से, और जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे चली गई। ठीक है ना, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे चली गई, और ये एंगल जो है ना, यही एंगल थीटा है। तो बुलेट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, देखो मास m, v वेलोसिटी से, और वापस जा रही है तो ऐसे। मास m, v वेलोसिटी से, ठीक है। अब ऐसे केस में आप देखिए, अगर हम कंपोनेंट्स करें, जैसे कि यहां पर मैं क्या करता हूं, x और y बना देता हूं। देखो ये x और ये y, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो v का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा v sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी को ये लिख सकते हो ना, v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप। ठीक, अब ये जो जा रही है वापस, तो यहां पे भी x और y बना दे, ये देखो x और ये y, ये एंगल फिर थीटा हुआ ना कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक, तो v का इस तरफ कंपोनेंट आया v cos थीटा, और इस तरफ आ गया v sin थीटा। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी x में क्या लिखोगे, माइनस v cos थीटा i कैप, और y में माइनस v sin थीटा j कैप। तो अब आप खुद ही देखिए, अगर आप चेंज इन वेलोसिटी करें इस केस में, तो v माइनस u ना, तो यहां माइनस लगा देता हूं, थोड़ा बहुत मैथ्स तो अपने को आती है। ये माइनस लगाया, ये माइनस हुआ, और ये वाला प्लस हो गया। और अब जब इनको ऐड करोगे तो ये बन गया माइनस टू वी कॉस थीटा आई कैप, और ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए, है ना, एक माइनस वाला है एक प्लस वाला बन गया, तो ये डेल्टा वी आ गया। अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन गया माइनस टू एम वी कॉस थीटा
आई कैप। अब वही एक सेकंड में एन नंबर ऑफ बुलेट्स, तो एफ एवरेज जो कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, पर डेल्टा टी वन बाय एन है, तो ये बन गया माइनस 2 एम एन वी कॉस थीटा आई कैप। लो देख लो जरा इसको, सही है ना, समझ में आ रहा है इतना? ठीक, ये तो हो गया बुलेट और गन वाले केस। अब एक और टाइप के केस होते हैं जिसमें वो कहते हैं एवरेज फोर्स इन सर्कुलर मोशन। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, सर्कुलर मोशन में एम वी स्क्वायर बाय आर लगता है ना, बट इट इज नॉट द एवरेज फोर्स। ठीक, अब मान लीजिए, चलो सर्कल बना दें येलो कलर का, ये देखो ये है सर्कल। एक पार्टिकल यहां पे था शुरू में, यहां पे उस वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है यूसीएम, तो उसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे इधर होगी ना, मैग्नीट्यूड तो वी होगा, रेडियस आर, ये है सेंटर। थोड़ी देर के बाद, अब ये नहीं दिया उन्हें, टाइम नहीं देते इसमें, पता उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो पार्टिकल की स्पीड तो सेम रही, बस डायरेक्शन बदल गया, इस तरफ वी हो गया, और ये वाला जो एंगल है ये हो गया थीटा। ठीक, तो वो ये कहते हैं कि बताइए इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितनी एवरेज फोर्स लगी। एवरेज फोर्स इसलिए लगेगी क्योंकि देखो पहले वेलोसिटी ऊपर थी, फिर हो गई ऐसे, है ना। तो एवरेज फोर्स का एक सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो, मुझे लगता है सीधा ही याद कर लो इसको, 2 m, m फॉर मास, v स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। ठीक है, 2 m v स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 अपॉन r थीटा, ये है फॉर्मूला, 2 m v स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 अपॉन आर थीटा। इस फॉर्मूले में देखो जहां थीटा साइन के अंदर है ना, वहां तो चाहे डिग्री में रखो चाहे रेडियन में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे ये थीटा बाहर है ना, तो इसे जरूर रेडियन में ही रखना। ठीक है, ठीक है, करते हैं आगे, है ना। अब देखो ये थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए एवरेज फोर्स अलग अलग हो सकती है, जैसे अगर हम बात करें सिर्फ सेमी सर्कल की, मतलब मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसे गया, ये था ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट, और स्पीड जो थी ना पार्टिकल की हमेशा कांस्टेंट थी, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा था, पहले इस तरफ वी फिर इधर वी, और यहां से यहां तक अपन एक लाइन बना दे, देखो हमेशा इनको ना सेंटर से जुड़ने वाली एक लाइन बना दो। तो आप सोचिए ये है सेंटर, तो ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्रीज हुआ ना, या अगर रेडियन में करो तो पाई हो गया, तो थीटा इज पाई। तो अपन लोग एफ एवरेज को लिख सकते हैं 2 एम वी स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 साइन पाई बाय 2
साइन 91 है ना, अपॉन आर थीटा मतलब पाई, तो एफ एवरेज आ गया टू एम वी स्क्वायर अपॉन पाई आर। देखो मेरे ख्याल में तो इसको भी अगर रट लिया जाए ना तो बहुत फायदा हो जाता है, सेमी सर्कल बहुत पूछते हैं, तो 2mv स्क्वायर अपॉन पाई आर। सेमी सर्कल के बाद अगला हो सकता है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का मतलब हुआ एक चौथाई सर्कल ना, ये हो गया और ये है 90 डिग्री, ये ए पॉइंट हो गया, ये हो गया बी पॉइंट। फालतू में वेक्टर एक्टर की मदद से निकालने का कोई लॉजिक नहीं है ना, सीधा फॉर्मूला लगाओ निकालो। ये देखो रेडियस आर मास एम, तो इसमें थीटा कितना हुआ 90 डिग्रीज, इसको रेडियन में लिखना चाहो तो पाई बाय टू, तो एवरेज फोर्स कितनी आई 2mv स्क्वायर साइन थीटा बाय टू अपॉन आर थीटा, थीटा कितना है पाई बाय टू। अब देखो साइन 45 वन बाय रूट टू हो जाएगा, 1 बाय रूट टू इस 2 से जाएगा तो ऊपर सिर्फ रूट टू बचेगा और 2 ऊपर चला गया, तो f एवरेज आ गया 2 रूट टू एम वी स्क्वायर अपॉन पाई आर। देख लीजिए इसको, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, अप्रैल में तो अभी बहुत टाइम है, आराम से ये क्लासें करते रहो तुम्हें अप्रैल तक बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। करें आगे। अच्छा अब सेमी सर्कल हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, अब एक काम करते हैं एक जनरल लेते हैं, ठीक है। चलो सर्कल बना दूं, ये है सर्कल, ये येलो कलर, ये देखो। अब मान लीजिए एक पार्टिकल, अच्छा इसका सेंटर कहां है, यहां है, एक पार्टिकल स्टार्टिंग में था यहां पर इस ए पॉइंट पर, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, स्पीड ऐसे जा रहा था, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, और यहां पे एक बना दूं, ठीक है। दिया हुआ है कि एक पॉइंट है बी जो इस वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बी पर वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी। तो हमसे कहते हैं कि अगर रेडियस आर है, स्पीड हमेशा वी है, मास एम है, तो बताओ फाइंड एवरेज फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक्चुअली बहुत सारे लोग ना ये 90 लेते हैं, ये 30 लेते हैं, तो कुल मिला के ना वो इस थीटा को 120 ले लेते, लेकिन आप सोचिए कहा गया है ए से बी, तो ए से चलना शुरू किया, चलता गया और बी पे पहुंच गया, यानी कि जो एंगल इसने कवर किया वो तो ये कवर किया ना, तो अगर ये है 120 तो ये कितना आएगा 360 माइनस 120 यानी 240 डिग्रीज, तो थीटा की वैल्यू यहां पर
240 डिग्रीज हो गई, मतलब 240 इंटू क्या होता था, पाई अपॉन 180 होता है ना, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 6 3 and 6 4, तो थीटा यहां पर डिग्री में तो 240 है, रेडियन में 4π/3 हो गया, ठीक है थीटा। अब एक बार आपको थीटा मिल गया 4π/3 या फिर 240, तो सॉल्व करते हैं इसको। एफ एवरेज आएगा 2mv² साइन थीटा बाय 2 अपॉन आर, और थीटा कितना 4π/3, तो 2mv² साइन 120 अपॉन 4πr और 3 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये कैंसिल होके 2 आ गया यहां पे, तो mv² साइन 120 जो होता है ना, इसके लिए याद रखिएगा साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा, ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए साइन थीटा मतलब 120 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 120 मतलब 60, तो साइन 60 की वैल्यू तो कितनी होती है, √3/2, फिर ऊपर 3 आ गया और नीचे 2πr, तो कितनी आ गई एवरेज फोर्स, ये आ गई 3√3 mv² अपॉन 4πr। मैं जितने सवाल करा रहा हूं ना, उन्हें अगर रट लोगे ना तो बहुत सारे हो सकता है एज इट इज ही आ जाए। सर क्या इस क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस होगा? एक्चुअली देखो, मैंने जब एक पहले बनाया था ना वीडियो इसके पहले, तो मैंने कहा था कि हमने 10 मेन चैप्टर लिए हैं, पहले हम वही कराएंगे, उसके बाद यदि टाइम बच जाता है तो हम बाकी के चैप्टर भी कराएंगे, ठीक है। तो कर लिया आपने कॉपी, समझ गए इस पॉइंट को, तो सर्कुलर मोशन वाला भी हो गया, एवरेज फोर्स वाला। अब इसके बाद आता है एक थर्ड लॉ, है ना, थर्ड लॉ से भी पहले एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इंपल्स। आप सभी जानते होंगे कि इंपल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, लेकिन बात क्या है कि इंपल्स आखिर क्यों निकाली गई, है ना। अब कई बार क्या होता है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम ना फोर्स निकाल ही नहीं पाते। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा केस बताता हूं, मान लो एक ये बॉल है, ये बॉल ऐसे गिर रही है इस तरह से, गिरी और टकरा के वापस ऊपर चली गई, ठीक है ना। तो अब जब ये ऊपर गई तो पहले वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, अब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, अब तो वेलोसिटी का चेंज तो आप निकाल सकते हैं, शुरू में माइनस यू बाद में प्लस वी, मास भी आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉल ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में कितने समय के लिए रही, तो आप कहेंगे यार ये तो इतना छोटा टाइम है कि किसी घड़ी की मदद से, किसी चीज की मदद से निकाला ही नहीं जा सकता। या फिर देखो, मान लो कोई बॉल आई, बैट से उसे मारा गया, तो बॉल बैट के कांटेक्ट में कितने समय तक रही, ये भी नहीं निकाला जा सकता। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे फोर्स का फॉर्मूला तो ये है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन अगर आप डेल्टा टी निकाल ही नहीं पा रहे तो क्या आप फोर्स निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि भाई अगर डेल्टा टी नहीं पता ना तो फोर्स मत निकालो, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। इसी चेंज इन मोमेंटम को हमने नाम दिया इंपल्स। तो अगर कोई हमसे पूछे ना कि क्या हर फोर्स की इंपल्स निकाली जा सकती है, हम कहेंगे नो,
इंपल्स सिर्फ उस फोर्स की निकाली जाती है जो फोर्स निकाली ना जा पाए, मतलब जिसके लगने का टाइम इंटरवल इतना छोटा हो कि हम वो फोर्स निकाल ही ना पाए। समझे लॉजिक? ठीक है, तो यहां लिख भी देते हैं कि इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट चेंजेस द लीनियर मोमेंटम। दिस डेल्टा पी चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। इसी डेल्टा पी को हम क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। हुआ क्लियर? देखो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए एक ना देखो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है वायर का बना हुआ, और ये मतलब ऐसे वर्टिकल नहीं रखा, हॉरिजॉन्टल रखा है, कहीं कोई फ्रिक्शन कहीं कुछ नहीं है। और हमने क्या किया, इस फ्रेम में एक रिंग ऐसे फंसा दिया। इस रिंग का मास है m। अब इस रिंग को हम अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दें तो कोई फ्रिक्शन एक्शन तो है नहीं, तो इसलिए वो मतलब रुकेगा तो है नहीं, ऐसे चला u वेलोसिटी से, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और जहां पर ये कॉर्नर आया यहां से ये मुड़ गया, फिर ऐसे चलने लगा, फिर चलता रहा और जहां ये वाला कॉर्नर आया यहां से फिर मुड़ गया, फिर चलता रहा और जहां ये वाला कॉर्नर आया यहां से फिर मुड़ गया। मतलब कि ये रिंग, ये जो रिंग है हां, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कॉर्नर ना आए। मतलब जरूर ये जो कॉर्नर है ना, या ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ये कॉर्नर ही इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा, है ना? इसका मतलब कॉर्नर ही इस पे फोर्स लगा रहा होगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि रिंग कॉर्नर के कांटेक्ट में कितने समय तक रहा, तो हम कहेंगे यार ये तो बहुत ही छोटा समय है ना, बस आया और निकल गया, फिर ऊपर पहुंचा निकल गया, तो इस तरीके से चलता रहा। ठीक, तो अगर आप डेल्टा टी नहीं निकाल पा रहे तो आप कहेंगे भाई मैं फोर्स तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं चेंज इन मोमेंटम जरूर निकाल सकता हूं, यानी कि मैं इंपल्स निकाल देता हूं। ठीक है, तो इंपल्स इस केस में कितना होगा, देखो इसको लेते हैं इनिशियल और फाइनल। तो पी इनिशियल कितना होगा, एम वी आई कैप, वी लिख दिया मैंने गलती से, U लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा बाद में भी U से चल रहा है, तो P फाइनल कितना हुआ, M U J कैप। तो अब देखिए चेंज इन मोमेंटम, जिसको कि हम इंपल्स भी बुला सकते हैं, ये हुआ M U J कैप माइनस M U I कैप। अब इसको अगर वैसे लिखना चाहो तो देखो बनाए जरा, एम यू जे कैप का क्या मतलब हुआ, इस तरफ हुआ ना एम यू, अच्छा माइनस एम यू आई कैप का क्या मतलब हुआ, इस तरफ। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा
वो कुछ ऐसा आना चाहिए, देखो है ना, कितना आना चाहिए, mu रूट टू, mu रूट टू। इसका मतलब कि ये वाला जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर ने ऐसे इंपल्स लगाई, mu रूट टू। ये वाला जो कॉर्नर है ऐसे इंपल्स लगाई, ये वाला जो कॉर्नर है इसने इधर सेंटर की तरफ, और ये वाला जो कॉर्नर है इसने इधर। बताइए क्या आपको समझ में आया, एक कॉर्नर कितनी इंपल्स लगाएगा? ठीक, और देखते हैं, ये देखो, मान लो ये तो ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट एच वन हाइट से नीचे गिर रहा है, ड्रॉप्ड, ठीक है, ऐसे गिरा, गिरने के बाद क्या हुआ, ऊपर जाने लगा, और ऊपर जाकर पूरा नहीं गया, किसी एच टू हाइट तक गया। इस बॉल का मास है एम, तो हमसे पूछते हैं कि बताओ ये जो ग्राउंड है, अब ग्राउंड के कांटेक्ट में बॉल कितने समय तक रही, ये तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत इन्फिनिट साइमली स्मॉल टाइम है। तो हम ये जरूर निकाल सकते हैं ग्राउंड ने मोमेंटम कितना चेंज किया। तो क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द इंपल्स ड्यू टू द ग्राउंड ऑन द बॉल। तो अब देखिए, जो बॉल गिरी, यहां पे गिरी, तब मान लीजिए इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है, तो आप इस v1 को ये लिख सकते हैं ना, है ना, बल्कि माइनस v1, तो v1 ही हो गया। अच्छा, बाद में ये v2 से ऊपर जाने लगा, तो इस v2 को क्या लिख सकते हो, रूट टू जी एच टू। अब चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स, ये हुआ m इंटू v2 माइनस, और v1 नीचे की तरफ है ना, तो माइनस v1, तो i आ गया m रूट टू जी एच टू, माइनस माइनस करके प्लस रूट टू जी एच वन। तो समझ गए ना ये वाला पॉइंट, ये भी एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको भी रट लेना, एम अंडर रूट टू जी एच टू प्लस अंडर रूट टू जी एच वन। क्या इस कोर्स को फॉलो करके नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल, नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए खुद की मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि मैं यहां कितना भी पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी कर लें अच्छा स्कोर नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि मैं या कोई भी टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, ठीक है, सिर्फ बता सकता है ये करना है ऐसे करना है ना, लेकिन करना खुद ही है, ठीक है। अच्छा, तो क्लियर हुआ ये वाला। अब एक चीज देखो, इंपल्सिव फोर्स कौन सी है? इंपल्सिव फोर्स वो है ना जो बहुत कम समय के लिए लगे, जैसे अगर आप देखें तो गन में से बुलेट निकली, तो गन ने जो बुलेट पे ऐसे फोर्स लगाई वो भी तो बहुत कम समय के लिए लगाई, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वो फोर्स इतनी ज्यादा है कि बुलेट को बहुत ज्यादा वेलोसिटी मिल गई। तो जो इंपल्सिव फोर्स होती है इंपल्सिव फोर्स वो होती है जो बहुत ही कम समय के लिए लगी, ठीक है, तो अगर हम फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, तो इंपल्सिव फोर्स किसी टाइम जीरो पे लगना शुरू होती है मान लो, और डेल्टा टी टाइम पे लगना बंद हो जाती है, तो जीरो पे
लगना शुरू हुई और डेल्टा टी टाइम पे लगना बंद हो गई, ठीक है ना। तो इस बीच में ये इतना तेज लगी, इतना ज्यादा लगी, ऐसे एकदम से बड़ी और फिर एकदम से कम हो गई। तो इस रीजन में, ये जो रीजन है, इस रीजन में पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। तो इस रीजन में जीरो से डेल्टा टी में हम ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। आप ये भी देख सकते हैं कि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स वेरिएबल है। तो हम एक्सेलरेशन को डीवी बाय डीटी लिख सकते हैं। अब अगर इस डीटी को वहां ले जाएं तो ये आएगा एम इंटू डीवी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, मास तो खैर कांस्टेंट ही है, जीरो से डेल्टा टी, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि ये जो एम इंटू वी माइनस यू है ना, या जो चेंज इन मोमेंटम जिसको हम कह रहे हैं वो इक्वल टू, या फिर हां जिसको हम इंपल्स भी कह सकते हैं, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम जीरो टू डेल्टा टी। इसको कर देते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप कभी फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो आपको चेंज इन मोमेंटम या फिर इंपल्स की वैल्यू मिलेगी। अरे भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अभी से ये मत सोचें सब तब क्या होगा, तब क्या होगा, है ना। अगर आप किसी लेक्चर को पढ़ेंगे नहीं, पहले से ही सोचते रहेंगे तो आपके मन में ना एंग्जाइटी ही भरती जाएगी। तो बस शांति से डेढ़ घंटे बैठकर इस लेक्चर को देखें, आपको कम से कम जितना भी समझ में आएगा ना, उसके बल पे एक या दो सवाल तो पक्का ही हो जाएंगे इस क्लास में, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू फाइंड द एरिया, एरिया निकालना। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना, सपोज ऐसा एक ग्राफ मैं बना देता हूं। मान लीजिए पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा और फिर ऐसा, ठीक। ये वाला जो है, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री और ये है फोर, ठीक है। और फोर्स यहां पे दे रखी है सिक्स न्यूटन, और यहां पे जो फोर्स दे रखी है वो है माइनस सिक्स न्यूटन। ये देखिए फोर्स और टाइम। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ इनिशियल वेलोसिटी यानी टी इक्वल टू जीरो पे इज 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड फाइनल वेलोसिटी इफ मास इज 3 kg। अब ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फोर्स और
टाइम का ग्राफ बना हुआ है। तो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होता है ना, उसका एरिया हमको चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स हम कह सकते हैं वो देता है। तो अब हम एरिया निकालते हैं। देखो जो इतना हिस्सा है ये वाला, इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू वन इंटू सिक्स, थ्री होगा। फिर जो ये वाला हिस्सा है, ये तो एक रेक्टेंगल है, इसमें ये वाली साइड है टू और ये है सिक्स, तो टू सिक्स का कितना हुआ? ट्वेल्व। इसका मतलब ऊपर वाला एरिया कुल कितना हो गया? 12 प्लस 3 यानी 15। अब अगर हम नीचे वाले एरिया को देखें, ये तो नीचे वाला एरिया कितना है? हाफ इंटू सिक्स इंटू वन, यानी ये भी 3 हुआ। तो आप देखिए 3 प्लस 12 15 ऊपर वाला एरिया और 3 नीचे वाला एरिया, तो 15 माइनस 3 करके जो टोटल इंपल्स आ रही है ना, या चेंज इन मोमेंटम आ रहा है एम वी माइनस यू, ये 12 के बराबर आ रहा है, समझे? 3 प्लस 12 माइनस 3। अब एम कितना है? 3 इंटू वी माइनस यू कितना था? 0 था ना, नहीं 2 था, इज इक्वल टू 12। तो ये कैंसिल हुआ, वी माइनस 2 4 के बराबर आ गया, तो वी कितना आ गया? 6। क्लियर हुआ ये? कैसे हम, अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हो तो कैसे हम लोग वेलोसिटी निकाले फाइनल? हाँ, सीरीज कंटिन्यूड रहेगी, पीडीएफ इसकी अन अकेडमी दिल्ली के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है? चलो, ये तो हो गया इंपल्स के बारे में। अब न्यूटन का थर्ड लॉ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ, वैसे तो आपने सुना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी को लिखने के लिए एक तरीका यह है, जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट नंबर वन, ये है ऑब्जेक्ट नंबर टू, दोनों आपस में टकराए, वन और टू, ठीक है? तो वन ने टू पर एक फोर्स ऐसे लगाई होगी, ये जो फोर्स है देखो, ये फोर्स किस पर लगी? टू पर। किसने लगाई? वन ने। तो इसको ये लिख सकते हैं ना, फोर्स ऑन टू बाई वन, वो फोर्स जो टू पे लगी और वन ने लगाई, फोर्स ऑन टू बाय वन, समझ रहे हो? जो पहले लिखा जाता है उस पर लगती है फोर्स, जो बाद में लिखा जाता है वो लगाता है, तो ये बन गया। इसी तरह से आप देखिए, टू ने वन पे फोर्स लगाई होगी, ऐसे फोर्स ऑन वन बाय टू, ये वो फोर्स है जो वन पे लगी और टू ने लगाई। तो न्यूटन ने ये कहा था कि जो फोर्स वन पे लगती है और टू लगाता है, और जो फोर्स टू पे लगती है और वन लगाता है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन उल्टा होता है। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि एफ वन टू का मैग्नीट्यूड एफ टू वन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और साथ में वो ये भी कहना चाह रहा था F12 का जो डायरेक्शन है ना, जिसको कैप लगा के देते हैं, माइनस F21 कैप, तो इसलिए इन दोनों को मिला के ये बन गया। ये देखो, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। इन दोनों में से किसी भी एक फोर्स को हम चाहे तो एक्शन कह सकते हैं, दूसरी फोर्स को हम रिएक्शन कह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक को पर्टिकुलर एक्शन ही बोलना है, दूसरे को रिएक्शन ही बोलना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि दोनों में से कोई एक फोर्स पहले लगती है दूसरी बाद में लगती है, बोथ द फोर्सेस अपीयर साइमल्टेनियसली। जैसे मान लो ऐसा होता है ना कि हम, आपने सुना होगा, हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, बदले में ग्राउंड हमें आगे पुश करता है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमने जो ग्राउंड को पुश किया वो एक्शन,
बदले में ग्राउंड ने जो हमें पुश किया वो रिएक्शन, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ये कहें कि भाई मैंने जो ग्राउंड को पुश किया ना वो रिएक्शन है, बदले में ग्राउंड ने मुझे जो पुश किया वो एक्शन है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये जो लॉजिक है ना, थर्ड लॉ, इस लॉजिक पे एक बहुत सिंपल सा पॉइंट आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। असल में थर्ड लॉ के बिना किए ये जो मोमेंटम है ना, कंजर्वेशन, इसको डिराइव करना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत सिंपल सा एक केस लेते हैं, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। देखो, मान लो ये एक पार्टिकल है, मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है। इसी तरह से एक दूसरा पार्टिकल है, मास है m2 और u2 वेलोसिटी से चल रहा है, बिफोर द कोलिजन, है ना, कोलिजन अभी हुआ नहीं, और u1 u2 से बड़ा है। जब ये दोनों आपस में टकराए, तो जब टकराए m1 और m2, तो 1 ने 2 पर एक फोर्स लगाई ऐसे, F 2-1, फोर्स ऑन 2 बाय 1। बदले में 2 ने 1 पर एक फोर्स लगाई F12। मान लो हमें न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं पता होता, सिर्फ सेकेंड लॉ ही पता होता, तो क्या होता? ठीक है, देखते हैं। ये दोनों टकराए और टकराने के बाद जो M1 है वो V1 से चलने लगा, और जो M2 है वो V2 से चलने लगा। ठीक, तो हमें सिर्फ सेकेंड लॉ पता होता, थर्ड लॉ नहीं पता होता। तो सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ये है ना कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो F इज इक्वल टू MA। अब वन को देखो, वन पे एक ही फोर्स लगी F12। वन की शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? U1। वन की बाद में कितनी वेलोसिटी है? V1। तो हम लोग अगर सिर्फ सेकेंड लॉ का लॉजिक लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि F12 वो फोर्स जो वन पे लगी और टू ने लगाई वो होना चाहिए m1 into a1, मतलब m1 into v1, v2 लिख दिया गलती से, v1 minus u1 upon t। t वो टाइम है जितने टाइम के लिए वन और टू आपस में कांटेक्ट में रहे। अच्छा, अब अगर आप यहां पे F21 को देखें तो ये वो फोर्स है ना जो 2 पे लगी और 1 ने लगाई, तो ये फोर्स क्या होगी? F21 ये होगी M2 into A2, मतलब M2 V2 minus U2 by T। ठीक है, अब यहां पे आके ना हम रुक जाते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ सिर्फ यही तक बता सकता है, उसके आगे इनमें आपस में क्या रिलेशन है वो तो बता ही नहीं सकता। तो थर्ड लॉ ने ये बताया ना कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो F12 कितना आ गया? M1 v1 minus u1 upon t is equal to minus f21, मतलब m2 v2 minus u2 upon t। तो अब t और t कैंसिल, तो क्या आ गया इसके नीचे? M1
वी वन माइनस एम वन यू वन इज इक्वल टू माइनस एम टू वी टू प्लस एम टू यू टू। तो जो माइनस वाला है उसे दूसरी तरफ ले जाओ, जैसे ये माइनस एम टू यू टू है उसको वहां ले जाओ, जो माइनस एम वन यू है ना उसको यहां ले आओ। तो देखो क्या बन गया, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। यही तो है मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो थर्ड लॉ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉजिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, आया समझ में? अब ये जो थर्ड लॉ है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, इसके ऊपर कई सारे अलग अलग तरह के सवाल आ सकते हैं। जैसे एक ये देखो, एक मिनट देख लेता हूं स्ट्रीम चल रही है ना। तो एक आता है सबसे पहला, रिकॉइल ऑफ अ गन, रिकॉइल ऑफ अ गन। ये देखिए, ये है गन, गन का मास है कैपिटल एम और इस गन के अंदर एक बुलेट है, उस बुलेट का मास है स्मॉल एम। अभी दोनों रेस्ट पर हैं। अब किसी आदमी ने अगर गन से बुलेट को फायर किया तो क्या होना चाहिए? देखिए, वैसे तो हम गन को पकड़े रहते हैं ना हाथ में, लेकिन क्या होगा कि बुलेट जिसका कि मास स्मॉल एम है वो इस तरफ गई, किसी वेलोसिटी जिसको हम कह सकते हैं वी बी लिख दें क्या, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, दिस इज द मजल वेलोसिटी, और ये जो गन है, वैसे तो हमने इसको हाथ में पकड़े होते हैं हम, लेकिन अगर नहीं पकड़े होते तो देखिए इसने बुलेट पे फोर्स ऐसे लगाई, बदले में बुलेट इस पे फोर्स ऐसे लगाएगी, तो ये पीछे की तरफ जाएगी। ये है वी आर वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन कैपिटल एम। तो अब देख लीजिए इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं, तो हम लिख सकते हैं शुरू में मोमेंटम जीरो और बाद में एम इंटू माइनस वी आर प्लस स्मॉल एम इंटू वी बी। तो ये बन गया कैपिटल एम वी आर इज इक्वल टू स्मॉल एम वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल जो है ना वो हो गई स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी बी। ये देखिए रिकॉइल वेलोसिटी, सर पीडीएफ ग्रुप पे सेंड करना, हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, अन अकेडमी दिल्ली का जो टेलीग्राम का चैनल है ना उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। हो गया ये वाला। अच्छा, और इसमें एक दो केसेस होते हैं। एक होता है, अच्छा कोलिजन वाला केस तो एक होता ही है, वो तो अभी कर ही लिया था, एक्सप्लोजन वाला केस। एक्सप्लोजन जो है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अभी ये रेस्ट पे है तो अभी तो इसका मोमेंटम है जीरो। अब मान लो ये एकदम से एक्सप्लोड हो गया तीन चार हिस्सों में, है ना, तो तीन हिस्सों में सपोज बना दिए यहां तीन हिस्से, एक दो और ये तीन, देखो तीन हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है इसका मास है m1, दूसरा हिस्सा इसका मास है m2 और तीसरे हिस्से का मास है m3। टकराने मतलब एक्सप्लोड होने के बाद
ये m1 वाला हो सकता है इस तरफ चला जाए किसी v1 वेलोसिटी से, m2 वाला इधर कहीं चला जाए किसी v2 वेलोसिटी से, और m3 वाला हो सकता है इधर कहीं चला जाए। तो ये सारी वेलोसिटीज देखिए x y एक्सिस में है, तो आपको ना i कैप j कैप में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि शुरू में तो मोमेंटम था जीरो, बाद में m1 इंटू v1 वेक्टर प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर प्लस m3 इंटू v3 वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है इसको याद रखना, और हर जगह वेक्टर के ही फॉर्म में यूज करना इसको, ठीक है ना। एक्सप्लोजन हो गया, कोलिजन हो गया, रिकॉइल हो गई, ये तीन तरह की चीजें हैं जो यूज होती हैं थर्ड लॉ में। तो क्लियर हो गया थर्ड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सारे लॉ हमने कर लिए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है ना वो है कॉमन फोर्सेस, इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, फ्रिक्शन, और कोई स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो मेनली हम इस चार के बारे में पढ़ेंगे। एक और है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो mg जो है, mg के बारे में लिख देता हूं। सबसे पहली जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं ना, एम जी, एम इज द मास, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, वेट के बारे में एक बात है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अगर मान लीजिए ये अर्थ है और कोई ब्लॉक यहां रख रखा है, तो जो अर्थ का सेंटर है ना वो इसका वेट या mg ऐसे अपनी तरफ लगाता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हो तो जो mg लगता है वो इधर लगता है, ठीक है, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ। पर वैसे अगर देखें आप, ऐसे बार बार अर्थ तो दिखेगी नहीं, हम तो जैसे खड़े हुए हैं तो हमें ग्राउंड दिख रहा है, तो इसलिए यहां पे हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये ना वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, हमेशा नीचे की तरफ, ठीक। अच्छा, अब एक ये बताओ, चलो आप लोग खुद ही बताइएगा, ये ग्राउंड है, ये एक ब्लॉक है m मास का, तो इस पर mg लगा ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, आप कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि इस ब्लॉक, ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, इस ब्लॉक का जो वेट है, जो mg है, वो किस पर लगा? इस ब्लॉक का जो वेट है वो किस पर लगा? चलो देखते हैं। बताओ, बोलो, कोई रिप्लाई करो। ग्राउंड, उदय ने कहा है ग्राउंड, और कोई कुछ कहना चाहे? टेबल, विक्रम ने कहा है टेबल,
एनी वन एल्स वॉन्ट्स टू से समथिंग? एक बार बताओ ये एमजी क्या है? फिर से मैं आपसे पूछता हूं, एमजी क्या है? वेट। इसके बारे में हमने क्या लिखा कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींच रही है। तो आप सोचिए इस ब्लॉक का जो वेट है ना वो इसी ब्लॉक पे तो लगा यार, समझे? किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना वो उसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि टेबल पे रख दिया तो टेबल पे लगने लगा, समझे? तो यहां पे लिख लो एक पॉइंट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इट्सेल्फ, समझ गए? इट्सेल्फ। अब जैसे यहां पे ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया, ठीक है, M1, M2 और M3। तो पहले ब्लॉक का वेट लगा M1G, वो किस पे लगा बोलो? M1G किस पे लगा बताओ? M1G किस पे लगा? M1G किस पे लगा यार? सुहानी, नीलोफर, विक्रम, उदय, जवाब दो भाई। M1G किस पे लगा? M1G M1 पे ही लगा उदय, समझे? M1G सिर्फ M1 पे लगा। M1G वो फोर्स है ना यार जिस फोर्स से अर्थ ने M1 को खींचा, तो M1G M1 पे ही तो लगा। ये देखो M2G किस पे लगा बताओ? M2G किस पे लगा? उदय बोलो M2G किस पे लगा? M2G M2 पे लगा। M3G किस पे लगा? बहुत मिसकॉन्सेप्शन है लोगों को, समझे? किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना वो उसी पे लगता है, समझ गए? उसी को खींचती है अर्थ। तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, समझ गए वेट के बारे में? अच्छा, ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, हमेशा नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वैसे अर्थ बना दें तो अर्थ के सेंटर की तरफ। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट है। अब मान लो यार सिर्फ यही सवाल पूछ लें, तीन ब्लॉक बना दे, लिख दे द वेट ऑफ M1 एक्ट्स ऑन, पहला दे दे M1, दूसरा लिख दे M2, तीसरा M3 और चौथा लिख दे बोथ M2 एंड M3, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ना ऑन M1 ओनली। हां, तो अगला है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? देखो नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, रिएक्शन वर्ड का मतलब होता है फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है? अब देखो एक आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, हमने ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को खिसका कर देखो हम इसके पास ला रहे हैं, और सपोज ये एक दूसरे को टच करने लगे, ठीक? तो आप अगर चाहें
तो आप एक ना लाइन बना सकते हैं जो पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट दोनों को एक कॉमन टेंजेंट है, ये देखो है टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट टू बोथ M1 एंड M2, ठीक है। तो क्या होगा, इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर में दोनों ब्लॉक एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे। वन क्या कर रहा होगा, टू को धक्का दे रहा होगा, टू क्या कर रहा होगा, वन को धक्का दे रहा होगा, मतलब ऐसे। अगर ये वन है ना, वन वन को देखे ना, तो टू क्या कर रहा होगा, वन को ऐसे धक्का दे रहा होगा, ऐसे। और टू क्या कर रहा होगा, सॉरी वन क्या कर रहा होगा, वन टू को धक्का दे रहा होगा। दूसरे कलर से बना दूं, ये देखो येलो से बना। ये जो फोर्स है ना, इसी को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में एक पॉइंट याद रखें कि इट इज अ पुशिंग फोर्स, धक्का देने वाली फोर्स है ये, धक्का देती है। जैसे अब देखो ग्राउंड के ऊपर हम खड़े हैं, तो हम ग्राउंड को नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, बदले में ग्राउंड हमें ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। अगर मैंने अपना हाथ यहां पे ऐसे रख लिया, देखो ऐसे, ठीक है, तो ये बोर्ड मेरे हाथ को इधर धक्का दे रहा है मेरी तरफ, और मैं इस बोर्ड को किधर धक्का दे रहा हूं, अंदर की तरफ। समझ रहे हो लॉजिक, पुशिंग फोर्स। दूसरा एक पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग परपेंडिक्युलर, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा परपेंडिक्युलर के अलोंग लगता है, ठीक है भाई। अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट में भी सभी लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। देखो जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक अपन ने ग्राउंड पे रख दिया, ब्लॉक का मास है m, तो आपको पता है ना नीचे mg लग रहा और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, सबको पता ही है। अब ये बताओ, अगर mg को एक्शन माना जाए तो उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, क्वेश्चन समझे। अगर mg को एक्शन माना जाए तो उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, करो कमेंट। अगर mg को एक्शन माना जाए तो उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, विक्रम ने बोला है नॉर्मल। नो विक्रम यार, नॉर्मल भी ब्लॉक पे लग रही है, mg भी ब्लॉक पे लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं ना, एक दूसरे को कभी कैंसिल भी नहीं कर पाते। नहीं, रिएक्शन विल नॉट बी नॉर्मल फोर्स यार। देखो ये ब्लॉक है, अगर आप ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक पे mg लगा, किसने लगाया, अर्थ ने लगाया ना, तो बदले में जो अर्थ है ब्लॉक क्या कर रहा होगा, उस पर स्मॉल mg लगा रहा होगा। देखो अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, बहुत छोटी छोटी सी बातें यार, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते, अर्थ इस पे लगाएगी तो ये अर्थ पे लगाएगा। अच्छा, और नॉर्मल रिएक्शन किसने किस पे लगाया, जो ये ग्राउंड था, ये जो ग्राउंड था ये वाला हिस्सा, इसने ऐसे लगाया ना नॉर्मल रिएक्शन, तो बदले में ब्लॉक क्या करेगा, इस पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो इस एन को अगर एक्शन मानोगे तो उसका रिएक्शन ये होगा, और इस mg को अगर एक्शन मानोगे तो उसका रिएक्शन ये होगा। समझ गए, तो बस आज यहीं ये लेक्चर एंड करते हैं। कल जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम नॉर्मल रिएक्शन से ही आगे शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको ये वाला लेक्चर, ठीक है। और भी आपको जो जो पढ़ना हो वो सब कमेंट करते रहना। जो आगे का फ्यूचर प्लान है, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट्स, ठीक है। बाय बाय।